गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद अवर नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. जो पहला फीचर है डिपॉजिटरी सिस्टम का वो क्या है कि डीमेटेरियलाइजेशन की ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाता है. डीमेटेरियलाइजेशन एंड रीमेटेरियलाइजेशन दोनों की सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करवाता है. तो अगर किसी के पास फिजिकल सिक्योरिटीज़ हैं, उसके पास चॉइस है कि वो फिजिकल सिक्योरिटीज़ को ही रखना चाहता है या फिर वो उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करना चाहता है. अगर वो उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता है, मतलब डीमटेरियलाइज उन्हें करवाना चाहता है, तो जो इन्वेस्टर है, जो बेनिफिशियल ऑनर है, वो अपनी फिजिकल सिक्योरिटीज़ को सेंड करेगा किसके पास? डीपी के पास, उन्हें कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ताकि उसका जो डीमैट अकाउंट है उसमें उसकी सिक्योरिटीज क्रेडिट हो जाए. प्रेजेंटली अगर हम बात करें, अब ये चीज़ कंपलसरी है कि सिक्योरिटीज़ को डीमैट फॉर्म में ही दिया जाएगा, डीमैट फॉर्म में ही इशू किया जाएगा. अगर किसी का इन्वेस्टर के पास फिजिकल सिक्योरिटीज़ हैं लिमिटेड कंपनी की, तो उसे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डीमैट फॉर्म में अगर उसे उसे सेल करना है. जो कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनके लिए कंपलसरी है डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज़ का होना. अगर आपको सिक्योरिटीज़ को सेल करना है, क्योंकि अब कंपलसरी है, अगर आप किसी लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसकी फिजिकल सिक्योरिटीज़ हैं आपके पास, तो आप उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहले आप उसको उसे डीमैट फॉर्म में अगर आपको उसे सेल करना है, देन अगर कोई न्यू सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है कंपनी, तो वो अपने इन्वेस्टर्स को ऑप्शन देती है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं कि आपको फिजिकल डिलीवरी चाहिए शेयर सर्टिफिकेट की, या आप डिपॉजिटरी फॉर्म में, मतलब डीमैट फॉर्म में आप सिक्योरिटीज़ को लेना चाहते हैं, डिपॉजिटरी मोड जिसे हम कहते हैं. अगर डिपॉजिटरी मोड वो कहता है, तो जो सिक्योरिटीज़ हैं अगर पर्सन को अलॉट हो गई है, तो जो कंपनी है वो डायरेक्टली उसके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ को क्रेडिट कर देती है. देन इन्वेस्टर जो ऑप्ट कर रहा है डिपॉजिटरी मोड में, उसे वो सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं जो जिसके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर हैं जो उसको मिलेंगे. मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें आपको वैसे ही मिलेंगी अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं किसी कंपनी की, जैसे कि आपको मिलनी चाहिए. चाहे आप शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रखें, शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म में रखें, चाहे आप अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में रखें, दोनों केसेस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा. इसका मतलब कि बेनिफिट आपको हर हाल में मिलेगा, चाहे सिक्योरिटीज़ आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, चाहे सिक्योरिटीज़ आपके पास डीमैट फॉर्म में है. तो जो भी डिविडेंड, राइट इशू, सेल फैसिलिटी, वोटिंग राइट्स एक्सेट्रा जो है, या अदर नॉन कैश बेनिफिट्स हैं लाइक बोनस शेयर्स को अलॉट कर रही है कंपनी, तो वो सारे जो भी बेनिफिट्स हैं आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगे. और अगर डिविडेंड है शेयर्स के ऊपर, या आपने शेयर्स को बेच दिया है, तो जो भी डीमैट अकाउंट में है सिक्योरिटीज़ वो डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगी. प्लस जो भी आपका बैंक अकाउंट है, वो भी जो आपने लिंक किया हुआ है अपने डीमैट अकाउंट से, उसमें भी जो मनी है वो डेबिट और क्रेडिट हो जाएगी. इसे इस तरीके से समझिए कि जब से एक चीज़ यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है, दैट इज़ कि सपोज़ जो इन्वेस्टर है उसे स्टॉक मार्केट में या न्यू इशू मार्केट में उसने सिक्योरिटीज़ में डील करना है, तो उसे जो डीमैट अकाउंट वो अपना खोल रहा है, डीमैट अकाउंट को उसे लिंक करवाना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट के साथ. क्योंकि जब आप शेयर्स में डील कर रहे हो, शेयर्स को बाय या सेल कर रहे हो, तो उसमें मनी भी इन्वॉल्व होगी. प्रॉपर पूरी ट्रांजैक्शन क्या होती है, कोई भी पर्सन स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली अपने आप शेयर्स को बाय और सेल नहीं कर सकता है, उसे किसके थ्रू करना पड़ता है, स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू. ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, जो इन्वेस्टर है वो किसको इंस्ट्रक्शन देता है, स्टॉक ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देगा कि मैं इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो खरीदना चाहता हूँ, और इस कंपनी के शेयर्स जो है मैं बेचना चाहता हूँ, जो भी उसने ऑर्डर देना है. फिर जो स्टॉक ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो क्लियरिंग हाउस है उनका, वहाँ से पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी. वहाँ पे वो देखेंगे, वेरीफाई करेंगे आपके रिकॉर्ड्स, आपकी ट्रांजेक्शन, ऑर्डर जो मैच किया है,
इसमें इससे रिलेटेड जो वीडियो है एक मैं अपलोड करूँगी यूट्यूब चैनल पर और आपकी गूगल क्लासरूम में, उसे आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे कितना कि जैसे सपोज एक पर्सन है राम और दूसरा पर्सन है श्याम, राम शेयर्स को खरीदना चाहता है और श्याम शेयर्स को बेचना चाहता है। जो राम है उसके पास 500 शेयर्स हैं, श्याम को भी 500 शेयर्स ही खरीदने हैं, ए लिमिटेड के दोनों को खरीदने और बेचने हैं। तो जो राम है वो अपने स्टॉक ब्रोकर के पास जाएगा, एजेंट के पास जाएगा, जो श्याम है वो अपने स्टॉक ब्रोकर के पास जाएगा। वो स्टॉक ब्रोकर्स जो एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, वो कहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। स्टॉक एक्सचेंज का एक अपना क्लियरिंग हाउस है। तो जो आपका राम का स्टॉक ब्रोकर है, राम ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप इन शेयर्स को बेचो, श्याम ने अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि इतने शेयर्स खरीदने हैं। राम ने के जो ब्रोकर था, ब्रोकर ने अपने सिस्टम में वो डाला कि मैं इतने शेयर्स को बेचना या खरीदना चाहता हूँ। सेम तरीके से श्याम का जो ब्रोकर था उसने अपने सिस्टम में डाला कितना खरीदना और बेचना चाहता हूँ और इतने प्राइस पे बेचना या खरीदना चाहता हूँ। नंबर डाल दिया, प्राइस डाल दिया, कंपनी डाल दी किसके शेयर्स जो हैं आप खरीद और बेचना चाहते हो। उसके बाद जो दोनों ब्रोकर्स का सिस्टम था उन्होंने डाटा कहाँ भेजा, स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग हाउस पे भेजा। क्लियरिंग हाउस में के सिस्टम ने ऑटोमेटिकली मैच कर दिया, जब जो नंबर था या प्राइस था या जो भी ऑर्डर दिया हुआ था वो मैच हो गया कि जो राम था वो के ब्रोकर ने ऑर्डर दिया था 500 क्वांटिटी का 10 प्राइस पर ए कंपनी के, सेम उसने दिया था, श्याम के ब्रोकर ने दिया था सेम, तो ऑर्डर मैच हो गया। अब ऑर्डर मैच हो गया तो जो उसका सिस्टम था, स्टॉक एक्सचेंज का सिस्टम था, स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम ने किसको इन्फॉर्म कर दिया ऑर्डर मैच हो गया, वो जो ईमेल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन चली गई जो भी दोनों ब्रोकर्स थे उनके सिस्टम में, जहाँ से उन्होंने ऑर्डर डाला था वहाँ वापस उनके पास मेल चला गया कि आपका ऑर्डर मैच हो गया। उसके बाद जो क्लियरिंग हाउस है स्टॉक एक्सचेंज का, वो दोनों जो ब्रोकर्स हैं उनको बोलेगा, जिसने खरीदने हैं उसको बोलेगा कि आप मनी जमा करवाइए और जो जिसने बेचने हैं उसको बोलेगा आप सिक्योरिटीज जमा करवाइए, और फिर वेरीफाई करके कि वो प्रॉपर है, जिसको सिक्योरिटीज मिलनी है उसके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज क्रेडिट हो जाएंगी और दूसरे के अकाउंट से सिक्योरिटीज डेबिट हो जाएंगी। जिसने बेची है उसके अकाउंट से सिक्योरिटीज डेबिट हो जाएंगी, जिसने खरीदी है उसके अकाउंट में सिक्योरिटीज क्रेडिट हो जाएंगी। कौन से अकाउंट में? डीमैट अकाउंट में। अब यहाँ पे मनी भी इन्वॉल्व है, जिसने बेचा है उसके बैंक अकाउंट में मनी क्रेडिट होगी और जिसने खरीदा है उसके बैंक अकाउंट में मनी डेबिट होगी। तो इसका मतलब डीमैट अकाउंट के साथ आपके पास और कौन सा अकाउंट होना चाहिए? बैंक अकाउंट होना चाहिए और उस बैंक अकाउंट को आप लिंक करेंगे डीमैट अकाउंट से, कि मतलब जब भी आप सिक्योरिटीज को डेबिट क्रेडिट आपके अकाउंट से जो हो रही है उसमें जो भी मनी इन्वॉल्व है वो जो भी लिंक्ड है अकाउंट डीमैट अकाउंट से, बैंक अकाउंट आपका, उसमें मनी जो है डेबिट और क्रेडिट हो जाएगी। देन जो शेयर्स हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में वो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखते हो, तो जो हर एक शेयर्स है उसका अलग नंबर नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर है तो हर एक शेयर का अलग से नंबरिंग होती है। देन आता है जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अलाउड है कि वो डिपॉजिटरी सिस्टम से एग्जिट कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि मुझे फिजिकल फॉर्म में शेयर्स चाहिए, तो वही रीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। जो इन्वेस्टर हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम को, लेकिन उसके लिए उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को एक या एक से ज़्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ, जो एजेंट्स हैं डिपॉजिटरी के। और ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, वो कस्टडियल एजेंसीज होती है, जैसे बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा हो सकते हैं। जो डिपॉजिटरी है उसकी जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 100 करोड़ रुपीस होनी चाहिए और प्रॉपर उसके पास सिक्योरिटी सेफगार्ड्स होने चाहिए उसके सिस्टम्स में, जो प्रिवेंट करेंगे किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन ना हो रिकॉर्ड्स में, ट्रांजेक्शन्स में, जो भी डिपॉजिटरी सिस्टम में हो रही हैं।
डिपॉजिटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होल्ड करती है सिक्योरिटीज शेयर होल्डर्स की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ट्रांसफ़र करती है सिक्योरिटीज को अकाउंट होल्डर्स के बीच में अगर किसी ने ट्रांसफ़र करवानी है, फैसिलिटेट करती है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप बिना सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में हैंडल किए, और फैसिलिटेट करती है उनकी सेफ कीपिंग। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम में हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से पर्सन जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमने तीन के बारे में तो बात कर ही ली, एक तो डिपॉजिटरी हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया, देन बेनिफिशियल ऑनर हो गया, जो चौथा है इश्यूअर उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इश्यूअर मतलब जो कंपनी है जो सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, जो न्यू इशू निकाल रही है। तो इनको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं चारों प्लेयर्स को। पहला है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज़ है या जिसे हम बेनिफिशियल ऑनर कह रहे हैं उसकी जो सिक्योरिटीज़ है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती है, बैंक की तरह होता है, जस्ट लाइक बैंक की तरह होता है, जहाँ पर जो इन्वेस्टर है अपनी सिक्योरिटीज़ को डिपॉजिट कर सकता है और विड्रॉ कर सकता है। जो डिपॉजिटरी है वो कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज़ की तरह होता है। जो डिपॉजिटरी है वो जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं सिक्योरिटीज़ में उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है अपने एजेंट्स के थ्रू, जिसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहा जाता है। एट प्रेजेंट दो डिपॉजिटरी हैं इंडिया में जिनके थ्रू सारी ट्रांजेक्शन होती हैं डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज़ की। वो कौन कौन सी हैं? NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL। देन नेक्स्ट जो हमारा पार्टिसिपेंट है दैट इज़ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। DP क्या है? एजेंट है डिपॉजिटरी का। DP सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है इन्वेस्टर्स को। डिपॉजिटरी की सर्विसेज इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रोवाइड करवाता है। तो अगर किसी ने डिपॉजिटरी की सर्विसेज अवेल करनी है तो इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में विद द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, कस्टडियंस, स्टॉक ब्रोकर्स, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, क्लियरिंग हाउसेस जो हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, रजिस्ट्रार टू एन इशू हो गया, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट हो गया, जो भी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर रहा है सेबी की वो रजिस्टर कर सकता है अपने आप को एज अ DP। और DP को जो फंक्शंस करने होते हैं वो कौन से? ओपन करेगा डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, रीमटेरियलाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, हेल्प करता है इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, डेली अपडेट करता है डाटाबेसेस सभी डीमैट अकाउंट्स का, इन्वेस्टर के ग्रीवियंसिस को हैंडल करता है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा इसमें पार्टिसिपेंट आता है, प्लेयर आता है, दैट इज़ बेनिफिशियल ऑनर। बेनिफिशियल कौन ऑनर कौन है? इन्वेस्टर, जो रियल ऑनर है सिक्योरिटीज़ का, जिसकी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के पास है, और जो ये वो पर्सन है जिसका नाम रिकॉर्ड होता है डिपॉजिटरी के पास और उसकी सारी राइट्स और लाइबिलिटीज़ जो भी हैं अटैच सिक्योरिटीज़ के साथ वो होती हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो उसको हैंडल करता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज इश्यूअर। इश्यूअर क्या है? इश्यूअर को हम कहते हैं इशूइंग कंपनी जो है, जो सिक्योरिटीज इशू कर रही है इन्वेस्टर्स को। तो जो इशूइंग कंपनी है वो मेंटेन करती है एक रजिस्टर जिसमें वो रजिस्टर में नेम्स लिखती है डिपॉजिटरीज के जिनके पास जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो रजिस्टर्ड हैं। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपनी ने शेयर्स को इशू करना है तो उस कंपनी को भी अपना जो अकाउंट है डिपॉजिटरी के पास खुलवाना पड़ेगा। उसने शेयर्स इशू किए, जिस जिसने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और जिस जिसको शेयर्स अलॉट हो गए, अब कंपनी के अकाउंट से डिपॉजिटरी वो शेयर्स डेबिट करेगी और जिस जिसको शेयर्स अलॉट हुए हैं उनके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स को क्रेडिट करेगी। तो इश्यूअर को भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू डिपॉजिटरी के पास अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो ये था हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरीज, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।